नाशिकचा बाबूमाशा चॅनल। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना पापड़। साबुदाना आलू पापड़ ये मार्केट में बहुत महंगा मिलता है कुरडई के मुकाबले। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, हमने गेहूं का कुरडई पापड़ बनाया था। आज हम बनाएंगे साबुदाने का आलू पापड़ जो हल्का तीखा नमकीन होता है। बनाने का प्रोसेस बहुत ईजी है, आप लोग घर पर आराम से बना सकते हो, और जो महंगा जो बाज़ार से ख़रीद के लाते हो आपका पैसा भी बचेगा। इसका प्रोसीजर आइए वीडियो में बताते हैं। आलू पापड़ बनाने के लिए साबुदाना हमने आधा किलो लिया और इसके साथ 1.5 किलो आलू लिया। इंग्रेडिएंट्स सिंपल है, साबुदाना, आलू, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और नमक। हम साबुदाना को कच्चा वैसे ही तवे पे फ्राई कर लेंगे, कोई तेल यूज़ नहीं करेंगे, इसको कढ़ाई पे ऐसे ही फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद इसको मिक्सर में इसका पाउडर बनाएंगे। मिक्सर में पाउडर बनाने का इजी तरीका है, इसका आटा बन जाएगा। आटा बन जाने के बाद हम लोग आलू बॉईल करेंगे। आलू बॉईल करके इसको मिक्स करेंगे इस साबुदाने के आटे के साथ। अभी देखिए हमने मिक्स किया हुआ है, इसमें लाल मिर्च आपके हिसाब से आप ऐड कीजिए, हमने कम से कम 2 चम्मच डाला है बड़े वाले। नमक और जीरा ऐड कर दिया है इसमें और इसको भी हम मिक्स करेंगे। मशीन से भी मिक्स किया जा सकता है बट फिर हाथ से जो मिक्स होता है वो अच्छा मिक्स होता है, सब इवनली सब मिक्स हो जाता है, तो कहीं पे भी कम ज़्यादा मात्रा नहीं रहती नमक और मिर्च की। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक रोटी का जो आटा होता है उस तरह इसका भी हम लोग गोले जैसा बनाने के लिए इसको मिक्स करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने आटा इसका मिक्स करके गोले बना लिए हैं, जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह। हम अब इसको मशीन में इसको पापड़ बनाएंगे। एक पॉलीथीन लिया है उस पर तेल लगा दिया है। तेल लगाने के बाद आटा लेंगे, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और उसके ऊपर एक और प्लास्टिक कवर लेके इस मशीन से इसको प्रेस कर लेंगे। इससे ये राउंड हो जाता है पापड़, और हल्का सा इसको और थोड़ा बेल लेंगे, इसको साइज इसका थोड़ा बड़ा करेंगे। मशीन अगर आपके पास नहीं रहा आप नॉर्मली रोटी बेलने जैसा भी इसको बेल सकते हैं, पर हमने प्लास्टिक और ये बेलन इसीलिए लिया है इससे अच्छे से पापड़ लाट पे आता है, और इसको हम साड़ी जैसे कुरड़े के लिए साड़ी पे हमने किया था वैसे इस पापड़ को भी साड़ी के ऊपर ही रखेंगे और इसको धूप में ड्राई करेंगे, सूखने देंगे। आप जैसे देख रहे बहुत सारा बन चुका है, आप नॉर्मल लाटनी से भी कर सकते हो। ये देखिए सूखने के बाद इस तरह बन जाता है साबुदाना आलू का पापड़। अभी हम इसको तेल में फ्राई करके आपको दिखाएंगे कि कैसे बनता है ये साबुदाना आलू का पापड़। तेल गर्म हो चुका है लगभग, इसको चेक करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा हमने डाला है तेल में। ये देखिए ये फ्राई हो चुका है, जब ये तेल में हमने डाला तो देखिए ऊपर तरफ आ गया और फ्राई हो गया है। अभी हम अपना पापड़ इसमें ऐड करेंगे तेल में, और देखिए पट से फूल जाएगा, ये फूलने के बाद इसकी साइज बड़ी हो जाती है। ये खाने में क्रिस्पी और नमकीन और तीखा, हल्का तीखा लगता है, टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। ये उपवास के लिए यूज होता है नॉर्मली ये वाला पापड़। देखिए किस तरह बन चुका है हमारा ये पापड़। बाजार में ये महंगा मिलता है, इसका रेट 250 से 300 रुपए तक का मिलता है किलो में। क्वांटिटी भी
ज़्यादा नहीं होती मुकाबले जो हमने बनाए आधे किलो में, आप भी बना के इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। तो आपने देखा हमने साबुदाना पापड़ किस तरह बनाया, काफ़ी इजी प्रोसेस था। आप लोग भी घर पे बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कैसा बनता है साबुदाना का आलू पापड़। और भी ऐसे वीडियोस में लेके आऊँगा जो समर के टाइम पे जो अलग अलग वैरायटीज़ के पापड़ बनते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। That you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end.